भाई तो कैसे हैं आप? ये कोयल है, ये लीक था यू पैंट से, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। मैं भी इसको रिपेयर करूंगा और इसकी लीकी जो है फिक्स करूंगा। इसके यू पैंट से लीक है, काफ़ी रस्टेड हो चुका है। तो अभी इसमें चिल वाटर प्रेशर है, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ इसको यू पैंट पे, तो यहाँ से लीक हो रहा है। ये जो सेकंड वाला यू है वहां से ये लीक हो रहा है, तो अभी इसको मैं रिपेयर करने लगा था। ये देखें आप, ये आपको एक लाइन नजर आ रही होगी पानी के प्रेशर की, क्योंकि वो चिल वाटर प्रेशर, ये वाला चिल वाटर प्रेशर जो है वो 60 PSI रहता है, 65 PSI, तो उसकी वजह से काफी जो है ना प्रेशर रहता है। अभी यहाँ से मैं पानी ड्रेन कर रहा हूँ और ऊपर से मैंने दोनों वाल बंद कर दिए हैं, रिटर्न भी और सप्लाई भी। सेंटर में जो वाल लगा हुआ है ये बाईपास वाल है, और जो लेफ्ट में वाल लगा हुआ है वो रिटर्न का है, और जो राइट साइड पे वाल है वो सप्लाई का है। तो यहाँ से मैं इसको पानी को ड्रेन कर रहा हूँ, पानी जब ड्रेन हो जाएगा तो हम इसको जो है ना ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो ब्रेजिंग करने से पहले हमने इसको साफ करना है एमली पेपर से, क्योंकि वो जो कॉपर है उसको पकड़ सके, क्योंकि उसमें रस्ट होगी तो हम ब्रेजिंग करते हैं तो वो उसको पकड़ता नहीं है सही तरह, तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह इसको साफ करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो ब्रेजिंग करने से पहले कभी भी कहीं पे भी आपने उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि अंदर जितनी भी रस्ट है, डस्ट है या उसके पार्टिकल है वो साफ हो जाए, और जो कॉपर है, कॉपर टू कॉपर कॉन्टेक्ट जो है ना वो होएगा, तो वो ब्रेजिंग जो है वो सही रहेगी और लीकेज नहीं होएगी। तो अभी मैं इसकी ब्रेजिंग करूंगा। ये थोड़ा सा जलाने में, फ्लेम जलाने में थोड़ा टाइम लगता है, और जगह भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो ऊपर हैंग किया हुआ है और खड़ा होना और उसको रिपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप इनफ स्पेस नहीं है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ब्रेजिंग करने के लिए। तो जब आप ब्रेजिंग करेंगे, स्पेशली जो FCU है या कोई भी चीज़ है, जैसे आपका स्प्लिट यूनिट है या आप चीजर पे काम कर रहे हैं, तो चीजर है तो एक साइड पे आपने कोई वाल ओपन रखना है, क्योंकि अंदर जो गैस बनती है, जो प्रेशर बनता है, उसकी उसकी वजह से वो ब्रेजिंग नहीं होती, वो पकड़ता नहीं है सही तरह, प्रेशर बनता रहता है। तो ये तो चिल वाटर लाइन है, तो मैंने चिल वाटर लाइन उसकी जो उसका जो ड्रेन लाइन है वो उसको मैंने खोल के रखा हुआ है। अभी उसके बाद मैं उसको ब्रेजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो इजी रहता है ब्रेजिंग करने के लिए। फ्लेम आपने उतना ही रखना है कि जिसकी वजह से आपका जो जो यू बैंड है, क्योंकि इसकी गेज बिल्कुल हल्की होती है, जो FCU कॉयल है इसकी गेज बिल्कुल हल्की होती है, उसके लिए आपने बिल्कुल हल्का फ्लेम रखना है। और जब उसको देखना है, उसका कलर देखना है आपने कॉपर का, और जब उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो आपने उसके ऊपर कॉपर लगा देना है। अगर वो मेल्ट होएगा तो आपने थोड़ा सा पीछे करके उसको साथ में हल्का हल्का टच करना है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर फ्लेम रखेंगे तो वो पहले ही रस्टेड है, रस्टेड होने की वजह से, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रस्टेड होने की वजह से लीक हुआ हुआ है। अगर हम उसके ज्यादा ऊपर फ्लेम रखेंगे तो वो लीक होने के चांसेस हैं, और होल बन जाएंगे। वो होल को बचाने के लिए हमने बिल्कुल जो है ना बड़ी केयर के साथ इसको रिपेयर करना है। ये देख सकते हैं आप, साथ में कॉपर का राडा मैं लगा रहा हूँ और जो फ्लेम लगा रहा हूँ साथ में, क्योंकि जब भी थोड़ा सा गर्म हो तो कॉपर का राड और जो पाइप है दोनों का टेम्परेचर सेम ही रह रहा है, तो कॉपर का राड मेल्ट हो जाएगा और साथ वो पकड़ लेगा उसको। अगर मैं इसके ऊपर उसका वेट करूंगा कि वो गर्म होएगा, उसके बाद टच करूंगा, तो उसको उतना आइडिया नहीं रहता, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो होल बन जाएगा, तो वो उसको प्रिपेयर करने के लिए और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए वो उसको बचाने के लिए मैं दोनों जो है ना एक साथ में लगा रहा हूँ। सही तरह साफ नहीं हुआ क्योंकि उसमें लगा रहा हूँ, टेम्परेचर हाई हो रहा है लेकिन वो टच नहीं हो रहा, क्योंकि जगह डिफिकल्ट है और थोड़ा सा लाइट का भी इशू है, तो इसलिए थोड़ा उसको
अच्छी तरह साफ किया मैंने, लेकिन वो थोड़ा रह गई है, डस्ट रह गई, इसलिए दोबारा उसको साफ करना पड़ रहा है। ये जैसे आप इसमें साथ में लगाएंगे, साथ में आपने कॉपर का रॉड लाजमी साथ में हल्का हल्का साथ में टच करना है आपने, क्योंकि थोड़ा सा भी गर्म होएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉपर का रॉड पाइप के साथ लग के थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हल्का हल्का थोड़ा जो है साथ में टच करना है उसको, और मेल्ट होने देना है, थोड़ी सी उसको फ्लेम देना है, बाद में उसको फ्लेम हटा देना है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप यू मेंट पे फ्लेम मारेंगे तो वो उसमें होल बन जाता है। ये जो क्योंकि पुराना है, ये यूनिट पुराना हो चुका है और इसकी गेज बिल्कुल जो है ना वो रस्टेड होने की वजह से बिल्कुल पाइप जो है वो हल्के हो चुके हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लगेगा तो वो आपका कॉपर का पाइप का ऊपर होल बन जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ भी है, क्योंकि वो ज्यादा ही पुराना था तो उसको उसको मैं कर रहा था तो वो बिल्कुल होल बन गया, फिर वो पूरा यू यू ही चेंज करना पड़ा उसके लिए। जैसे आपने हल्का हल्का करना है ऊपर जो कॉपर का रॉड लगाना है और उसको देखना है। जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने ऊपर कॉपर का रॉड रखा हुआ है और हल्का हल्का फ्लेम लगा रहा हूँ, तो दोनों गर्म होंगे तो वो टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा तो वो इजीली उसको पकड़ लेगा और हमारी लीकी जो है वो रिपेयर हो जाएगी। ऐसे आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि फ्लेम थोड़ा सा भी ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा तो वो प्रॉब्लम करता है। ये अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। जगह थोड़ी डिफिकल्ट है, इसके लिए थोड़ा मसला हो रहा है। ऐसे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना, क्योंकि ये थोड़ी केयर वाली जॉब है और थोड़ी एक्सपर्टीज भी चाहिए इसके लिए। डायरेक्ट आपने इसके ऊपर टांका लगाना शुरू नहीं हो जाना, पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप पहली बार या इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस पे टांका लगाने के लिए, ये इसका मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है, थोड़ा सा और लगेगा। ये टंकल लगाया मैंने, ये थोड़ा सा और जो है ना इसको लगाने की जरूरत है अभी, क्योंकि वो इतना कवर नहीं हुआ। और कॉइल की बड़ी हालत खराब है इसके लिए, वो लीक कर गया। ये थोड़ा सा इसको और जो है ना लगाएंगे फ्लेम और कॉपर थोड़ा सा और घुमा देंगे, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए। ऑलमोस्ट तो लग चुका है लेकिन थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मसाला कम है उस पे। ये थोड़ा लगा दिया और नीचे भी थोड़ा सा उसको घुमा लें, क्योंकि वो जो आपका वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना कॉपर, तो अगर वो घुमा लें तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसमें लीक नहीं रहेगा।
अभी मैं इसके जो है वाल खोलूंगा, ये देखें आप, थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये भी थोड़ा सही हो गया, थोड़ा उसके ऊपर मसाला भर दिया मैंने, थोड़ा सही हो गया। ये देखें आप, ये बिल्कुल अभी जो है ना वो जो इसकी ब्रेजिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे अभी। अभी इसका जो चिल वाटर है वो हम ओपन करेंगे, चूल्हे वाटर ओपन करने के बाद चेक कर लेंगे लीकेज है या नहीं है। जब हमें चिल वाटर ओपन करना है तो दोनों जो है वो अपने वाल ओपन करने हैं। ये पहले मैं जो है रिटर्न का ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद सप्लाई का ओपन करूंगा। आपको जो इजी लगता है वैसे तो नॉर्मली कोई भी आप कर सकते हैं वैसे ओपन। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पंप लगे हुए हैं तो इतना इशू नहीं रहता। ये जो वाल है ये डीआरपी वाल है और सेंट्रल वाला वाल बाईपास वाल है, ये हमारा फ्लो स्विच है, सॉरी मोटराइज वाल है। ये जी दोनों वाल हमने खोल दिए हैं और लीकेज नहीं मिल रही कहीं पे। अभी मैंने वो सिर्फ सप्लाई का वाल रिटर्न का वाल खोला था, अभी मैं सप्लाई का वाल खोलूंगा और सप्लाई का वाल खोलने के बाद चेक करेंगे। अभी रिटर्न का वाल भी खोला मैंने अभी, लीकेज कहीं पे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे आपने इसकी लीकेज चेक करनी है। मैंने दोनों ही वाल खोल दिया है, रिटर्न भी और सप्लाई भी, और उसके बाद लीकेज चेक की है, लीकेज तो कहीं नजर नहीं आ रही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच माई वीडियो, एक मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।